अभी परसों रामनवमी की तिथि थी, 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है, 800 स्थानों पर रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा इफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे, कहीं भी कोई तूतू मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है। अभी परसों रामनवमी की तिथि थी, 25 करोड़ की आबादी यूपी में रहती है, 800 स्थानों पर रामनवमी के शोभा यात्रा थी, जुलूस भी थे, और साथ साथ इस समय रमजान का महीना चल रहा है, रोजा इफ्तार के भी कार्यक्रम रहे होंगे, कहीं भी कोई तूतू मैं नहीं हुई, दंगे फसाद की बात तो दूर है। ये उत्तर प्रदेश की विकास की नई सोच को प्रदर्शित कर रहा है कि अब दंगा फसाद के लिए कोई जगह नहीं, अराजकता के लिए, गुंडागिर्दी के लिए, अफवाह के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश ने रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जयंती के अवसर पर यह साबित किया है।